नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टी चैट। विशाल गढ़ा महोत्सव व सामूहिक विवाह उत्सव का कार्यक्रम। बात करते हैं बलिया जनपद स्थित भरौली गांव की, जहां गढ़ा मंच द्वारा आयोजित विशाल सांस्कृतिक महोत्सव एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से चलकर भोजपुरी जगत के कई सुप्रसिद्ध कलाकार व गायक गायिका ने गढ़ांचल की धरती पर अपना सुंदर प्रस्तुति कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में चांद चांद लगाने का काम सामूहिक विवाह ने किया। इस महोत्सव में 11 जोड़ों की शादी भी कराई गई और साथ में विवाहित जोड़ों को घरेलू सामान गिफ्ट के तौर पर दिया गया। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को मंच से सम्मानित भी किया गया। वहीं मौजूद जनता की मांगों पर सुप्रसिद्ध गायिका ने जब गाना गाया तो मौजूद हजारों की संख्या में मौजूद लोग उत्साह से भर कर झूमने नाचने लगे। गढ़ा महोत्सव कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष चंद्रमणि राय ने मीडिया से बताया कि गढ़ा विकास मंच पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंच है। सन 2001 से शुरू हुआ है और मेरे पिताजी स्वर्गीय हरिशंकर राय ने गढ़ा विकास के संस्थापक थे। उन्होंने एक अथक प्रयास से एक मंच बनाया कि इस मंच से हम गढ़ांचल की जो समस्या है उसे उठाने का प्रयास किया जाए। हमेशा उनके मन में कष्ट रहता था। अपने गढ़ांचल वालों के लिए उन्होंने मंच बनाया और अच्छा टीम बनाई और भोजपुरी को आगे बढ़ाने की पहल की गई। गढ़ा महोत्सव का मेन उद्देश्य भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए और मेरे पिताजी का एक सपना था कि इस मंच से कई शादियां भी कराई जाएं, जो आज 11 जोड़ों की शादी के पवित्र बंधन में बांधा गया है। यह विवाह का कार्यक्रम आगे और बढ़ता चला जाएगा। पहली बार गढ़ांचल की भूमि पर गरीब बेटियों का विवाह कराया गया। समाचार टी जेड के लिए बलिया से ममशाद अहमद की रिपोर्ट। बनने के चक्कर में अश्लीलता गाना का परोसा जा रहा है, तो क्या ये भोजपुरी अश्लीलता का ही अब जरिया माध्यम बन गया है, इस पर क्या आपकी राय? सबसे पहले तो दूसरी बात और पहली बात, बार 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 अश्लील 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 करके आप लोग खुद ही अश्लील कर दे रहे हैं। भोजपुरी से ज्यादा हिंदी अश्लील है, पर हिंदी की बात नहीं है कि भोजपुरी हिंदी की बात। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, पानी नहीं दी गई है, इसीलिए कोई भी उठ करके बोल देता है कि भोजपुरी अश्लीलता। जिस दिन 8वीं सूची में आ जाएगी उस दिन कोई नहीं बोलेगा कि भोजपुरी अश्लील है। क्या अश्लीलता आप हमको बताइए, बिक्री में शूट करते हुए हिंदी में करोड़ों की फिल्म बनती है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की फिल्म बनती है, उसे आप लोग नहीं बोलते हो कि अश्लील फिल्म बनी है या ये सीन गलत है। पर आप लोग भोजपुरी, क्योंकि गांव घर का हमारा लैंग्वेज है, एक चीज है उसमें मानसिकता होती है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको चीजें अच्छी दिखेंगी। अगर आप अश्लील 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 बार बार बोलेंगे तो अश्लील। आपका मानना है मैं अश्लीलता का वो नहीं, मैंने कुछ लड़के थे जो आत्मनाथ स्टार बनने के लिए, या कुछ लड़कियां हैं उनके शब्द वाले गाने गाए, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। हमारी भोजपुरी में बहुत सारी प्रथाएं हैं, कजरी है, ढोकरी है, दादरा है, विरहा है, एक से एक चीजें हैं भैया। गुड़गुड़ यहाँ पे भैया ने मूर्ति दी है, लेकिन आप से बात करते हैं। आप सब मीडिया वालों से है कि अश्लील 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 बार बार हमारी भोजपुरी को ना बोलें, क्योंकि हमारी भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही अच्छी। मैडम, मैं मुंबई से चल के आप अंचल के क्षेत्र में आई है, आपको कैसा महसूस? अपने प्रशंसकों को देख के कैसा लग रहा है? है मेरा जीवन का सबसे पहला शो जिसका कि आज 3 से ज्यादा करोड़ व्यूज है। लाइव स्टेज शो का मैंने ऐसा बहुत कम व्यूज देखा है, जो रसना में विधायक उमा शंकर जी ने कराया था सामूहिक विवाह, उसमें आप यूट्यूब पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा व्यूज मेरा उसी शो का है। उसी वजह से आज मुझे ये उपाधि मिला है। कंपनी में मेरे आजकल 3 करोड़ व्यूज है, तो उस वीडियो को देख करके लोगों ने मुझे गायकी के क्षेत्र में उतारा था। कहीं ना कहीं मैं बलिया को अपनी मतलब प्रणाम करना चाहूंगी, बलिया की धरती को, जिसने मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। ये लगभग सन 2001 से शुरू हुआ, मेरे पिता स्वर्गीय हरिशंकर राय गढ़ा विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने एक अथक प्रयास किया, एक मंच बनाया, ताकि इस मंच से हम लोग गढ़ांचल की जो समस्याएं हैं उसको उठाने का प्रयास किया जाए।
उनकी हमेशा एक मन में कष्ट रहता था अपने ग्रहांचल के लिए। उसने एक मंच बनाया और उनके साथ दो भाई अपने अपने भाई गोपाल राय जो भोजपुरी के सिंगर है, ये दोनों ने मिलकर एक अच्छा एक टीम बनाई और एक भोजपुरी को आगे बढ़ाने की एक पहल की शुरुआत की गई। शुरुआत 2001 से हुई है। गढ़ा विकास गढ़ा महोत्सव का मेन उद्देश्य है कि भोजपुरी भाषा भाषी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अध्यक्ष जी, देखा जाता है कि भोजपुरी में आज तक अश्लीलता परोसा जा रहा है, लगातार गढ़ा महोत्सव के चलते अश्लीलता की बात कही गई, तो क्या ये भोजपुरी जगत में अश्लीलता से ही भोजपुरी का उत्थान होगा? देखिए, गढ़ा महोत्सव में यहाँ अश्लीलता नहीं होगा, अश्लीलता के हम लोग विरोध भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कौन क्या गा रहा है कौन नहीं गा रहा है भाई, ये तो कलाकार के ऊपर है। आजकल की जनता भी तो यही पसंद कर रही है, जोड़ों की शादी कराई गई, कलाकार की ही गलती नहीं है इसमें, गलती हम सबकी है इसमें। हम लोग ऐसा गाना सुनते हैं, अगर हम ऐसा गाना नहीं सुनते तो कलाकार क्यों गाता वो गाना, है कि नहीं? आपने एक पाली प्रथम पाली का शुरुआत किया है जो बेटियों की शादी करवा कर, इसमें आप क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मेरे पिताजी की एक सपना था, 2005 में गढ़ा महोत्सव हुआ था तो मंत्री नारद राय जी थे उस समय मंत्री, उन्होंने घोषणा किया था कि इस मंच पे कहीं ना कहीं गरीब बेटी की शादी भी होनी चाहिए, तो मेरे पिताजी का एक सपना था कि इस मंच पे कहीं ना कहीं शादी हो। कितने जोड़े शादी में? अभी शादी शादी हुआ है 11-12 हुआ है शादी, 11-12 जोड़े अभी हम मार्च में भी कराए थे और फिर ये हमारा क्रम बढ़ता चला जाएगा। हमारे गढ़ांचल में भी शादी नहीं हुआ था, ये पहली बार गढ़ांचल में शादी हो रहा है, गरीब बेटियों की शादी हो रहा है। मुंबई जगत के सारे भोजपुरी कलाकार यहाँ मौजूद हैं, अक्षरा सिंह हैं, निशा पांडे जी हैं, राकेश मिश्रा हैं, मोहन राठौर हैं, आलोक कुमार हैं, मनोहर जी हैं, और कल जो 17 तारीख को कार्यक्रम हुआ था एक दिन पहले, उसमें भी भोजपुरी के सारे दिग्गज कलाकार, 2020 गीत संगीत प्रतियोगिता जो कि नौजवानों को एक मंच दिया जाता है ताकि वो अपनी कला को प्रदर्शन करें। ठीक है।